इस ताजपोशी का कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया कुछ लोग, इसको कैसे देखते हैं अलीशा जी आप? फिर से बोलेगा प्लीज। जब ताजपोशी हो रही थी तो कुछ लोग विरोध करने भी इसका पहुंचे थे वहां पर, पुलिस बल ने गिरफ्तार भी किया कुछ लोगों को, 6 लोग लगभग शायद थे जहां तक मैं गलत नहीं हूं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ जी, देखिए विरोध तो हर जगह पे होता है, बहुत चीजों का होता है, कोई बात नहीं। एक ग्लास है वो ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, हम कैसे देखेंगे उसको? और अब अगर लोग विरोध भी कर रहे थे तो कुछ तरफ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, लोगों को खुशी भी हो रही थी, लोग जश्न भी मना रहे थे। और मगर ये बात मैं जरूर कहूंगा कि जितना खर्चा इस पे गया है, जितना खर्चा उन्होंने किया है, जब यूके की इकोनॉमी गिरी हुई है और लोग भूखे मर रहे हैं, जहां पे जंग हो रहा है, ये बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं। इसको मैं ऐसे देखता हूं कि जाहिर सी बात है, फिर लोग इसमें और किंग चार्ल्स ने ये भी कहा था कि उनकी मदर क्वीन एलिजाबेथ थर्ड का जिस तरीके से कोरोनेशन हुआ था उस पर जो खर्चा हुआ था, तो फिर उससे वैसा उतना ग्रांट नहीं करेंगे, खर्चा कम करेंगे। बल्कि मैं तो उसको एक तरीके से, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे देखता हूं कि अगर वो बोलते कि मेरे को कोरोनेशन नहीं चाहिए, है बस एक सरमनी चाहिए, ताज पहनाओ, जो फॉर्मेलिटीज है वो करो, कम से कम बजट पे रखो, तो मैं इस बात को ज्यादा अहमियत देता और ज्यादा मानता, पूरी दुनिया मेरे ख्याल से ज्यादा अहमियत देती। आज की तारीख में लोग शादियां भी करते हैं तो कह रहे हैं हमें जश्न नहीं चाहिए, अब बस कागज लाओ, साइन कराओ, दस्तखत कराओ, खत्म, छुट्टी, रजिस्टर कराओ शादी को, छुट्टी। तो आज की जमाने में इतना एडवांस हो गया और लोग फ्रूगल पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, उस बात से थोड़ा सहमत नहीं हूं। बाकी ओवरऑल आई एम ओके विद इट, मगर खर्च इतना नहीं करना चाहिए, ऐसा क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी, मैं ये कहता हूं। ओके, इसी पर अली शाह जी आपसे भी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। भारत के पक्ष में देखे तो ये ताजपोशी और जो ऋषि सुनक है प्रधानमंत्री, वो भी भारत मूल के हैं, क्या फायदे भारत को हो सकते हैं आने वाले समय में? देखिए फायदे हो सकते हैं कि नहीं, वो नहीं देखना चाहिए इस टाइम पे, हमको ये देखना चाहिए कि भाई हाँ वो जश्न मना रहे हैं, एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर है, इमोशनली वो ही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि एक इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर है। और इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर का मतलब ये नहीं कि वो हिंदुस्तान के पक्ष में ही केवल अपनी पॉलिसी बनाएगा, वो पॉलिसी बनाएगा अपनी यूके के पक्ष में, उनको जो फेवर करता है, उनके जो देख रहे हैं। अब बात आती है कि हमारे ट्रेड अग्रीमेंट्स में कई सारी चीजें हैं, एक पॉलिसी जो उन्होंने इंक नहीं की थी, हो सकता है ऐसा, हो सकता है। एक मैं कहता हूं जहां पे कोई उम्मीद नहीं होती ना, अगर एक उम्मीद की किरण भी जागती है तो वो भी मेरे को बहुत बड़ी बात लगती है। तो उम्मीद की किरण तो जागती है, जागी है कि जैसे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, तो हो सकता है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंक नहीं हुआ था, हो सकता है आने वाले काल में अगर हम अच्छा सोचे तो अच्छा ही होएगा, हो सकता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंक हो जाए, वो सबसे बड़ी मेन चीज मैं वो देख रहा हूँ उस तरीके से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, दीपक जी आपका भी, अलीशा जी आपका भी।